नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। धूमधाम से सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। बच्चे काफी उत्साहित थे और बच्चों को मिठाई खिलाया गया। राजकीय उत्क्रमित विद्यालय अकराहा उत्तरी में है और यहाँ के प्रधानाध्यापक जो हैं उन्हें आप देख सकते हैं, यहाँ वो झंडोत्तोलन कर रहे हैं। खासकर जो तिरंगा फहराया गया है उसके विशेष कवरेज आपको दिखा रहे हैं और यहाँ झंडा को सलामी दे रहे हैं। खुद प्रधानाध्यापक हैं, उनके साथ सहयोगी सभी जो खासकर शिक्षक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति आप देख सकते हैं। आज के दिन यह स्कूल अपने ऐतिहासिक तस्वीर को दुनिया को देश को दिखा रहा है। सीधी तस्वीरें अकराहा उत्तरी से जो विशेष कवरेज दिखा रहे हैं, आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने क्या कहा है यहां देख सकते हैं सभी। मास्टर साहब, ये बताएं कि 75वें गणतंत्र दिवस के बाद 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में पूरा देश इस वक्त जश्न मना रहा है, क्या कहेंगे, कैसे आप लोग इसका पूरा तैयारी में लगे हुए हैं, क्या सब करेंगे कल? देखिए, हम लोग गणतंत्र दिवस कल मनाने जा रहे हैं, उस पर हम मुझे ये कहना है। मैं सबसे पहले मीडियाकर्मी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ मैं अपने विद्यालय के जितने भी शिक्षक गण हैं, प्यारे मेरे बच्चों हैं, अभिभावक गण हैं और समिति के जितने भी सदस्य गण हैं, सबों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना एवं बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया, उस दिन हमारे देश के एक नए कानून के रूप में आए और नए कानून जो हमारे देश में आज चल रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। और अंबेडकर साहब जिस ढंग से कानून को बनाए और हमारे देश में जो लागू किए, उसी दिन संविधान की प्रस्तावना और संविधान जो लागू किया गया वह आज तक हमारे देश में लागू है। क्या कल क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होगा? मेरे यहाँ बच्चे को द्वारा विभागीय रूल के अनुकूल वर्ग 8 के बच्चे को प्रभात फेरी किया जाएगा और गणतंत्र दिवस की जो सलामी दी जाती है वो हम लोग झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद कुछ बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। कौन सा स्कूल है ये? ये मध्य विद्यालय अकराहा उत्तरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरी शंकर चौधरी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय अकराहा उत्तरी। कितने शिक्षक हैं यहाँ? कुल 15 शिक्षक हैं। और कोई कमी भी है शिक्षक का? शिक्षक का विषय वास्तु के अनुकूल कुछ कमी है। अच्छा, जिसे तो मांग किए हैं? हाँ, मांग किए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गणित विज्ञान का विषय का शिक्षक नहीं है, हिंदी का शिक्षक नहीं है, इसके लिए हम विभाग को लिखे हैं और मैं जिस समय बीसी होती है और विभाग को इसकी सूचना हर समय दी जाती है। थैंक यू।